আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم। حضرات علماء کرام اور مختلف اداروں میں خدمات انجام دینے والی معلمات اور خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام سامعین کے اعتبار سے، سننے والوں کے اعتبار سے اگرچہ مختصر ہے، لیکن یہ مجمع بڑا قیمتی مجمع ہے، کیونکہ آپ سبھی حضرات اپنے اندر ایک دنیا رکھتے ہیں اور ہر کوئی معلم اور معلمہ किसी न किसी इदारे में 150 या इससे भी ज़्यादा तलबा और तालिबात की तरबियत में मशगूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए, आप हजरात के खिदमात को आप सबके लिए اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ معلم ہیں، معلمہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو اوصاف اور جو خوبیاں دے کر مبعوث فرمایا تھا اور بھیجا تھا، ان میں سے ایک بڑی خوبی اور ایک بڑا وصف یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنایا تھا۔ خود حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، استاد بنا کر مجھ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکوں، اچھے اخلاق کی لوگوں کو تعلیم دے سکوں اور اچھے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ معلم ہونا، استاذ ہونا، اور وہ بھی
मदरसों का मकातिब का उस्ताद और मुअल्लिम होना ये वाकईतन बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ी सआदत मंदी और नेकबख्ती की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जब तक जिंदा रखे, मुअल्लिम बनाकर जिंदा रखे और दीनी तालीम की खिदमत देते हुए अल्लाह जिंदा रखे। हजरात मुअल्लिमीन मुअल्लिमात किराम, इस्लाम में जिस तरीके से इबादत की एक अहमियत है, उसी तरीके से तालीम की भी बड़ी अहमियत है। बल्कि अगर इस नज़र से देखा जाए तो तालीम की अहमियत ज़्यादा मालूम होती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी पैगंबर को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, मक्के में आप पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, तो उस वक्त तक, उसके पहले तक एक किताब है मौजमुल गुलदान, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ लाए, जब आप की बेइज्जत मक्के में हुई, उस वक्त मक्का का हाल ये था कि बमुश्किल 17 लोग सिर्फ ऐसे थे, सिर्फ 17 लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, और कोई लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था। हिजरत करके जब आप मदीना पहुंचे, मदीना का हाल इससे भी ज्यादा बुरा था। उसी किताब में लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो मदीने के अंदर सिर्फ 11 लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। किसी के पास लिखने पढ़ने का हुनर सलीका था ही नहीं, इल्म था ही नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर और मक्के के बाद फिर मदीने के अंदर इल्म का चराग जलाया और इल्म के हुसूल को इतना जरूरी करार दिया, इतना जरूरी करार दिया कि 1400 साल के बाद भी मर्द औरत बच्चा बूढ़ा चाहे कोई हदीस जानता हो या ना जानता हो, लेकिन ये हदीस जरूर जानता है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, एकदम ये ऐसी हदीस है कि सबकी जबान पर, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। बाल हजरात इसके साथ मुस्लिमा भी लगा लेते हैं, हर मुसलमान पर बहैसियत मुसलमान इल्म हासिल करना जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया बल्कि प्रैक्टिकल में इसको लाकर दिखलाया, खुद और सहाबे किराम से इस पर अमल करवा के दिखलाया। चुनांचे जब तक आप मक्के में थे, दारे अरकम ये तालीम का मरकज था, वहां जाते थे और वहां जाकर लोग इल्म हासिल करते थे, इल्म सीखते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए निकले थे, मशहूर वाकया रास्ते में बतला दिया गया कि आप किस दीन को खत्म करने के लिए निकले हो, मोहम्मद का काम तो बाद में कर लेना, पहले अपनी बहन को तो संभाल लो। जब गए तो अपनी बहन को किस हालत में पाया, कुरान पढ़ते हुए पाया। इसका मतलब है कि इल्म का चर्चा मक्के में हो चुका था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर दार अरकम को तालीम का मरकज बनाया और वहां से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए तो सारे लोग जानते हैं कि सुफ्फा, आज भी वो सुफ्फा मौजूद है और उस जमाने का बना हुआ सुफ्फा वो गोया के उस वक्त का एक मकतब था, एक मदरसा था, एक दीनी तालीम का था। बास हजरत ने लिखा है गालिबन हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सुफ्फा में इल्म हासिल करने वाले सहाबे किराम की तादाद 400 तक पहुंचती थी और बाद हजरत ने 900 की तादाद को लिखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का चराग जलाया, इल्म का बिगुल बजा दिया और तमाम के तमाम सहाबे किराम की ये कोशिश होती थी कि हम भी कुछ सीखें, हम भी कुरान की आयत को पढ़ना सीखें, हम भी कुछ मसले मसाइल को सीखें। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम हफ्ते में एक दिन, कम से कम एक दिन औरतों के लिए भी मखसूस कर दिया कि पूरा हफ्ता मेरे लिए औरतों की मजलिस में जाना मुश्किल होगा, वो आएंगी, इल्म हासिल करेंगी, अज़वाजे मुतहरात के पास आकर अपने मसले पेश करेंगी और मसले का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे, देते थे। लेकिन खास तौर पे हफ्ते में एक दिन औरतों की मजलिस में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के उनको इल्म सिखाते थे, तालीम देते थे। दिल्ली का हाल ये था कि औरतें रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नहीं आ सकती, उनके घर के मर्द हजरात आते थे, मौका मिला मस्जिद नबवी में आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख रहे हैं, सहाबा किराम से सीख रहे हैं, उनकी वाइफ घर में है, वाइफ अपने शौहर के लिए खाना रेडी करके रखती थी, बिस्तर रेडी करके रखती थी। रात के वक्त जब इशा के बाद उनका शौहर घर पे पहुंचता तो उनकी अहलिया मोहतरमा, उनकी बीवी साहिबा ये कहती थी कि मेरे सरताज, मेरे हमराज, आज सुबह से लेकर अब तक आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो कुछ सीखा और जो कुछ आपने फैज हासिल किया, कबर इससे के दस्तरखान पर जाकर हम लोग खाना खाएं, खाने के बाद आराम करें, ये सारे काम से पहले सुबह से लेकर अब तक जो मसाले आपने सीखे, जो कुरान की आयतें आपने सीखी, पहले आप मेरे साथ उन मसाले का, कुरान की उन आयतों का मुजाकरा कर लीजिए, वो मसले मुझको भी मालूम हो जाए, कुरान की वो आयतें मुझे भी याद हो जाए, उसके बाद दस्तरखान रेडी है, बिस्तर रेडी है, खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे। तो मर्दों के अंदर इल्म का शौक और मर्दों के साथ साथ औरतों के अंदर इल्म का शौक पैदा हुआ। ये लंबी तारीख है, मुख्तसर वक्त में इसको बताया नहीं जा सकता। हदीस में तो यहां तक आया कि सुफ्फा में जो सहाबे किराम इल्म हासिल करते थे उनके पास खाने पीने का तो कुछ नहीं होता था, वो क्या करेंगे, तो मुख्तलिफ सूरतें होती थी। पास सहाबे किराम ऐसे थे कि जब वो अपने बाग में जाकर खजूर तोड़ते तो खजूर का कुछ हिस्सा सुफ्फा में सहाबे किराम जो इल्म हासिल कर रहे थे उनके लिए लाकर किसी रस्सी में, किसी डोरी में लटका देते थे और जो हजरात वहां तालीम हासिल करते थे वो खजूर तोड़ते, खाते और पानी पी लेते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हाथ में जो असा था, लाठी थी, खजूर पर उस लाठी को, असा को मारा तो खजूर झड़ने लगी, गिरने लगी, हाथ में उठाकर देखा तो वो खजूर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लो क्वालिटी की खजूर थी,
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दानों को अपने हाथ में लिया और ये फरमाया कि जिसने ये खजूर दिया है वो इससे अच्छी खजूर भी तो दे सकता था। हमारे तलबा के लिए, इल्म हासिल करने वालों के लिए उन्होंने रत्ती खजूर लाकर पेश किया। कयामत में, जन्नत में अल्लाह ताला उनको इसी तरह का खजूर खिलाएगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी। इसका मतलब है कि इल्म देने का भी आप इंतजाम फरमाते थे और इल्म हासिल करने वाले क्या खुराक उनको मिल रही है, कैसा खाना उनको मिल रहा है, इसकी भी निगरानी फरमाते थे। बहुत मर्तबा ऐसा होता था कि घर में दो आदमी का खाना बना है, इल्म हासिल करने वाले हैं, उनमें से एक को दो को अपने घर में लेके चले गए। तआमुल वालिद यक्फिल इस्नैन, आप सब उलमा हैं, घर में दो आदमी का मियां बीवी है, दो आदमी का खाना बना है और दो मेहमान को अपने घर में लेकर चले गए। हजरत साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो तो रात में कभी कभी 80-80 तलबा को, यानी 80 सहाबे किराम को अपने घर लेकर जाते थे और घर में उनकी ज़ियाफ़त फरमाते थे, खाना खिलाते थे, पेट भर के या जितना भी अल्लाह तौफीक देता उस हिसाब से खाना खिलाते थे। तो ये मदारिस की तारीख, मकातिब की पूरी तारीख इस्लाम में पाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है। मुझे तो आप हजरात से दो तीन बातें, ये तमहीदी बातें कहने के बाद दो तीन बातें जो कहनी है, उनमें से एक बात तो ये है, इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके शागिर्द वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं बीमार पड़ गया तो मेरे जो तलबा थे वो मेरी इयादत करने के लिए मेरे पास आए। मैं बीमार था, मुझको देखने के लिए आए और मेरा कमरा छोटा था, रूम छोटा था, इयादत करने वाले और आने वाले तलबा की तादाद ज्यादा थी, रूम पूरा भर गया, जगह कम पड़ गई। वो कहते हैं कि मैंने अपने पैर को समेट लिया, थोड़ी सी जगह निकाल ली और उसके बाद उन्होंने अपने तलबा से ये नसीहत की कि मेरे उस्ताद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा बीमार पड़े, हम लोग उनको देखने के लिए उनके घर पे गए, इयादत करने वालों की तादाद ज्यादा थी, उनका कमरा उनका मकान छोटा था, जगह तंग पड़ गई, जगह की किल्लत हो गई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने पैर को समेट लिया और इयादत करने वालों के लिए थोड़ी जगह निकाल दी ताकि कुछ लोग और अंदर आ जाए। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि जैसे तुम लोग मेरी इयादत के लिए आए हो, बीमार कुर्सी के लिए आए हो, इसी तरीके से एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए, उनके तलबा हम लोग थे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा छोटा पड़ गया, जगह की तंगी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरीके से अपने पैर को समेट लिया और अपने पहलू के बल हो गए, चित लेते थे पहलू के बल हो गए ताकि कुछ जगह निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा मेरे तलबा को, इयादत करने वाले को कमरे के अंदर जगह मिल जाए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग इयादत के लिए गए थे,
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हम लोगों को नसीहत की। ये देखिए तीन सिलसिला मैंने बयान किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा अमल किया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द उन्होंने भी वैसा ही अमल किया, इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द ने भी अपने उस्ताद और उस्ताद के माने अमल किया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर बीमारी क्या है, बीमार पड़ने से क्या होता है, गुनाह माफ होता है, नेकी बढ़ती है, इयादत करने वालों को कितना सवाब मिलता है, ये सब कुछ नहीं बयान किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन तलबा से इयादत करने वाले सहाबाए किराम से ये कहा कि ऐ मेरे सहाबा, सयातीकुम अक्वाम, तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे, यतलुबून अल-इल्म, इल्म हासिल करने के लिए आएंगे, सयातीकुम अक्वाम यतलुबून अल-इल्म, तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे इल्म हासिल करने के लिए आएंगे, जब वो तुम्हारे पास इल्म हासिल करने के लिए आएंगे तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरहिमू बिहिम वहय्यूहुम वअल्लिमूहुम, तीन काम तुम लोगों को करना है। नंबर एक, जो इल्म हासिल करने के लिए तुम्हारे पास पहुंचे, जो तुम्हारी मजलिस में महफिल में तालिबे इल्म बनकर पहुंचे, सबसे पहला काम उस्ताद होने के नाते, मुअल्लिम होने की हैसियत से, मुअल्लिमा होने की हैसियत से आने वाले तालिबे इल्म, आने वाली तालिबा के हवाले से सबसे पहली जिम्मेदारी आप हजरात की यह होनी चाहिए कि रहिबू बिहिम, तुम उनको खुश आमदेद कहो, मुबारकबादी पेश करो, वेलकम तुम कहो, स्वागतम तुम कहो, माशाअल्लाह बेटा तुम पढ़ने के लिए आए हो, कितने अच्छे लड़के हो, कितनी अच्छी बच्ची हो कि तुम इल्म-ए-दीन हासिल करने के लिए आए हो, तुम मेरे पास कुरान पढ़ने के लिए आए हो, तुम दीन का शिक्षा लेने के लिए आए हो, तुम नमाज के मसले को मालूम करने के लिए सीखने के लिए आए हो, तुम रोजा हज जकात की बातों को सीखने के लिए आए हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारा आना मुबारक हो, माशाअल्लाह आ जाओ आ जाओ, आओ और आकर बैठो, उनको सलाम करो, उनको मुबारकबादी पेश करो, उनकी गोया के तारीफ करो, उनकी दिलजोई करो, उनके हौसले को बढ़ाओ और उनको हिम्मत दिलाओ, उनको तसल्ली दो, खबरदार खबरदार ये मत कहना अरे तू कहां से आ गया, तुम्हारा बाप जाहिल, तुम्हारी माँ जाहिल, तू कैसे पढ़ पाएगा, तेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, तुम नहीं पढ़ सकते हो, जाओ तो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर उस्ताद की जो जिम्मेदारी बताई कि आने वाले तलबा को तरहीब कहो, यानी तुम उनको वेलकम कहो, तुम उनका इस्तकबाल करो, तुम उनको सलाम करो, उनको मुबारकबादी दो, उनको हिम्मत दो, उनको तसल्ली दो और उनको आगे बढ़ने का उनके अंदर शौक पैदा करो, वअल्लिमूहुम, और फिर उसके बाद तुम उनकी तालीम का, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करो, अपने दर्स में बिठा कर, और अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं, बच्ची है पढ़ नहीं पाती है, तो तुम प्यार मोहब्बत की बात करके, कोई बात नहीं बेटा आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, माशाअल्लाह तुम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इसमें थोड़ा सा ऐसा अगर पढ़ लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। हजरत उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, दारुल देवबंद में एक उस्ताद थे, उनकी किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती है, अल-क़िरातुल वाज़िहा, उनकी लुगत, अरबी सीखने वाला कोई भी आलिम, अरबी सीखने वाला कोई भी आलिम हजरत मौलाना वहीदुज़्ज़मान कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह की डिक्शनरी
अल कामुसुल जदीद उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू, अल कामुसुल इस्तिलाही अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी। अगर कोई आलिम, कोई तालिब इल्म, कोई तालिबा अरबी सीखना चाहता है या चाहती है तो इन डिक्शनरी को छोड़कर, लुगत की इन किताबों को छोड़कर वो अरबी में माहिर नहीं हो सकता। हजरत मौलाना वहीदुज़्ज़मान कैरानी रहमतुल्लाह अलैह अरबी सिखाते थे। दारुल में अरबी का माहौल और चलन इतना नहीं था दारुल देवबंद के अंदर। ये तो हजरत का देन है कि इस काम की इब्तिदा बुनियाद डाली और माशाअल्लाह आज तक वो सिलसिला चल रहा है, बढ़ रहा है। हजरत अरबी सिखाते थे, असफुल अरबी में तलबा आते थे, नया नया तालिब इल्म, कोई आसाम से गया, कोई मणिपुर से गया, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, छोटे मदरसों से गया, अरबी नहीं जानते। हजरत जुमला बनाने के लिए देते थे, मजमून लिखने के लिए देते थे, एक सफे के अंदर 20 गलती हो गई, मिसाल के तौर पे हर हर लाइन में गलती है। हजरत अपना पेन लेते थे और करेक्शन करते थे और ये नहीं कहते थे बेहुदा, कमबख्त, बेवकूफ, अहमक, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, बल्कि ये कहते थे कि बेटा तुमने माशाल्लाह कितना अच्छा लिखा, इतने कम टाइम में तुम इतनी अच्छी अरबी लिखने लगे, इतनी अच्छी अरबी बोलने लगे, लेकिन बेटा ये जो तुमने लिखा जहब तो सूखा, ये थोड़ा सा इसमें अगर इला बढ़ा देते और ये लिख देते जहब तो इला सूख, तो ये जुमला और अच्छा हो जाता। जहब तो सूखा, मैं बाजार गया, ये बिल्कुल गलत है, 100% ये जुमला गलत है, लेकिन हजरत ये नहीं कहते थे कि तुमने गलत लिखा, तुमको कभी अरबी नहीं आएगी, तुम जैसा गवार लड़का कैसे अरबी सीख सकता, छोटी छोटी बात का भी लिहाज नहीं करते। नहीं, हजरत क्या फरमाते थे कि बेटा माशा अल्लाह तुमने इतना कम दिन में इतना अच्छा लिखा, थोड़ा और मेहनत करो बेटा, माशा अल्लाह तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत कम वक्त में तुम अच्छी अरबी बोलने लगोगे, ये जो तुमने लिखा जहब तो सू का थोड़ा यहाँ पर इला बढ़ा दो और इसको कर दो जहब तो इलसू, ये और अच्छा हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, लेकिन हजरत ये नहीं कहते थे कि तुमने गलत लिखा और मैंने तुम्हारे जुमले को सही कर दिया, बेटा तुमने सही लिखा है लेकिन उसको ऐसे लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते 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 पूरे सफे के अंदर 15-20 गलतियां निकाल लेते थे, लेकिन सामने जो तालिबे इल्म होता था उसको ये एहसास नहीं होने देता था कि तुमसे गलतियां हो गई, इस्लाह भी हो गई और माशाल्लाह काम भी बन गया, उसकी हिम्मत भी नहीं टूटी, हौसला अफजाई भी हो गई। तो अल्लिमूहु, एक एक बच्चे पर जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, उस्ताद अगर तालिबे इल्म को, इल्म हासिल करने वाले को अपना बच्चा समझ ले, अपना बच्चा समझ ले, तो वो कभी भी उसको नेगलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पूरी कोशिश सर्व कर देगा कि इस बच्चे को पढ़ा के रहेंगे, इसको अच्छा से अच्छा आलिम या अच्छा से अच्छा मसला जानने वाला, सही तौर पर कुरान पढ़ने की आदत इसके अंदर हम पैदा करके रहेंगे। तो उस्ताद की 3 जिम्मेदारी यहां पर बतलाई है। फरहिमू बिहिम, नंबर 1, आप उनको वेलकम कहो, आप खुश आमदेद कहो, तुम्हारा आना मुबारक हो, हय्युहुम उनको सलाम करो, उनको तसल्ली दो, उनकी हिम्मत को बढ़ाओ, और अल्लिमूहुम उनकी तालीम का सही इंतजाम करो। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, लेकिन आज हालत ये हो गई कि हम जब इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं तो जहां हम इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं वहां के लोग हम पर सख्ती करते हैं, हमारे साथ नरमी नहीं करते, नरमी का बर्ताव नहीं करते, बल्कि सख्ती से पेश आते हैं। आज बहुत सारे मदरसों में,
बहुत सारे मदरसों में इसकी शिकायत मिलती है, बहुत सारे मदरसों में, खास तौर पे हिफ्ज का जहां भी मदरसा है आप चले जाइए, जब तक जानवर की तरह बच्चे की पिटाई नहीं करेगा तब तक समझते हैं कि यह हाफिज होगा ही नहीं। मेरे भाइयों, अब सख्ती का जमाना चला गया, अब मारपीट का जमाना, गाली गलौज का जमाना चला गया। हमारे मदरसे में जामिया इस्लामिया जलालिया हुजाए अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ ईस्ट का एक मिसाली इदारा है, अल्लाह के फजलो करम से तालीम का बहुत हद तक अच्छा इंतजाम है, अल्लाह नजरे बद से बचाए, मजीद तरक्की अता फरमाए। एक उस्ताद हुजाई के एक बड़े मालदार के बच्चे को हिफ्ज कराते थे। हिफ्ज का ये वाकया है आज से तकरीबन 6-7 साल पहले का। वो बच्चा मुश्किल से 10-12 साल उसकी उम्र थी, 10 साल होगी 12 साल भी नहीं। एक दिन उस्ताद ने उससे पूछ लिया, तुम कौन, तुम्हारे अब्बा कौन, तुम किस बिरादरी से, वगैरह वगैरह, और उसको कुछ ऐसा जुमला कह दिया जो एक उस्ताद को नहीं कहना चाहिए। बच्चा था, मालदार घराने का बच्चा था, समझदार बच्चा था, उसको भी खराब लगा, उसने जाकर अपने बाप को पूरा वाकया सुना दिया। और उसके वालिद जो थे वो बड़े गर्म मिजाज थे, बड़े गर्म मिजाज थे। बाद वाली सुबह को वो अपने घर से मदरसा आए, रास्ते में 2-3 लोगों को कह के आए कि आज मैं जा रहा हूं मदरसे में, मेरा बच्चा फला उस्ताद के पास पढ़ता है, देखता हूं कि आज मेरी पिटाई से उस उस्ताद को कौन बचाएगा। यानी पीटने का इरादा करके घर से आए, मदरसे से निकालने का इरादा करके घर से आए। ये तो अल्लाह का करम है, ये हजरात जानते हैं। वहां के जो साबिक शेखुल हदीस थे हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब नामत बरकातुहुम, उनको किसी तरह से पता चल गया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कि हाजी साहब कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, हाजी साहब बहुत दिन के बाद तशरीफ लाए हैं, आइए जरा सा ऑफिस में बैठते हैं। और ऑफिस में बिठाया, चाय वगैरह पेश किया, और इस टॉपिक पर कोई गुफ्तगू नहीं की बल्कि हदीस कुरान की फजीलत पर गुफ्तगू की। और कुछ बात करने के बाद कहा कि हाजी साहब बहुत दिनों के बाद आप तशरीफ लाए हैं, आज मैं चाहता हूं कि मैं बुखारी शरीफ अभी पढ़ाऊंगा, चलिए आप थोड़ी देर मेरे दर्स में बैठिएगा, और उसके बाद फिर क्यों आए हैं नहीं आए हैं देख लेंगे, ताकि उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। ये कह के वो उस उनको अपने दर्स में लेकर गए, और बुखारी शरीफ की जो अहादीस पढ़ा रहे थे वो दूसरे टॉपिक की हदीस थी, दूसरे बाब की हदीस थी, लेकिन उससे मिलाकर हजरत ने अखलाक के ऊपर और दूसरों को माफ करने के ऊपर हदीस और कुरान में जो फजीलत बयान की गई है बढ़िया से सिटिंग के साथ इतनी पुर असर हजरत ने तकरीर की कि हाजी साहब बैठे बैठे सुनते रहे, और दिल में जो एक मतलब जज्बा लेकर आए थे इंतकाम का, बदला लेने का, इन बातों को सुनने के बाद वो बिल्कुल सर्द पड़ गया, और एक तरह से उन्होंने वहां पर तौबा किया। और सबक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि हजरत मुहद्दिस साहब, अगर आज मैं आपके दर्स में ना बैठता और इतनी कीमती बातों को ना सुनता, आज तो मैं घर से ये पलान लेकर आया था, लेकिन इतनी कीमती बातों को सुनने के बाद अब मैं किसी भी तरीके से बदला लेने के मूड में, इंतकाम की पोजीशन में नहीं हूं। मैंने उस उस्ताद को माफ किया। हजरत ने कहा क्या बात करते हैं, हमारे मदरसे के उस्ताद ने ऐसी गुस्ताखी की, हाजी साहब आप क्यों बदला लेंगे, बदला तो मैं लूंगा, उनको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए, बदला तो मैं लूंगा, कहां है वो उस्ताद बुलाते हैं। फिर हजरत मुहद्दिस साहब ने उस उस्ताद को बुलाया, थोड़ा डांट डपट किया, थोड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया, और एक तरह से वार्निंग दी, और मामले को इस तरह से सुलझाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है
कि आने वाला हर तालिबे इल्म आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, जैसे मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे बच्चे को कोई गाली दे, इसी तरह से हम और आप भी ये गवारा ना करें कि मैं अपने तालिबे इल्म को कभी गाली दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल तक मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, पूरे 10 साल तक खिदमत की, लेकिन 10 साल की लंबी मुद्दत में आपने कभी मुझसे ये नहीं कहा उफ तुमने ये काम गलत कर दिया, तुमको ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी गाली नहीं दिया, कभी बुरा भला नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वारिस हैं आप हजरत, और वारिस होने का क्या मतलब, सिर्फ माल का वारिस? नबी ने तो माल भी नहीं छोड़ा था, नबी ने तो अपने अखलाक को छोड़ा, अपनी तालीम को छोड़ा, कुरान और हदीस को छोड़ा। अगर हम और आप नबी के वारिस हैं तो नबी के माल के वारिस नहीं है, नबी के घर बार के वारिस नहीं है, बल्कि नबी के अखलाक और आदात के, नबी की छोड़ी हुई सुन्नतों की, नबी के छोड़े हुए तरीकों के वारिस है। अगर हमारे नबी ने अपने तालिबे इल्म को कभी गाली नहीं दिया, अपने तालिबे इल्म को कभी बुरा भला नहीं कहा, हम अगर अपने तालिबे इल्म को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ये तो नाम का वारिस होगा, हकीकत में हम और आप नबी के वारिस नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आम तौर पे मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा, मकतब के मुअल्लिम और मुअल्लिमा कभी कभी एहसासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं, मैं तो मकतब में पढ़ा रहा हूं, मेरी क्या हैसियत है, हैसियत तो शेखुल हदीस साहब की है, हैसियत तो फला साहब की है, बुखारी पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप हजरात को समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना। चलिए, तो कभी भी एहसासे कमतरी का शिकार मत होइए। ये मत सोचिए कि हमारी क्या हैसियत, हमारा क्या मकाम, पता नहीं अल्लाह के यहाँ क्या मकाम और मर्तबा मिलेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, देवबंद के अंदर एक बड़े उस्ताद थे हजरत मुफ्ती वासिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, दारुल वक्फ के हदीस के उस्ताद थे। वो साफ तौर पर फरमाया करते थे कि मेरे नजदीक, बल्कि खुद हजरत मुफ्ती महमूद हसन गंगोई जो फकीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के सदर मुफ्ती थे, कि मेरे नजदीक कायदा बगदादी पढ़ाने वाले, पहले जमाने में कायदा बगदादी, अब नूरानी कायदा, कायदा बगदादी पढ़ाने वाले, नूरानी कायदा पढ़ाने वाले का अल्लाह के यहाँ जो मकाम और मर्तबा है, मुस्लिम और बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले का वो मकाम और मर्तबा नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि आप हजरात बच्चों को मुसलमान बना रहे हैं, आप बच्चों के अंदर ईमान को दाखिल कर रहे हैं, आपने उस बच्चों को मोमिन बना दिया, अब उसके बाद ईमान के अंदर चमक कैसे आएगी, ईमान के अंदर मजबूती और पुख्तगी कैसे आएगी, ये ऊपर के असातिज़ा का काम है। लेकिन बुनियाद आपने डाली है, बुनियाद आपने डाली है, हमको और आपको अपनी इस खिदमत का और मेहनत का मकाम और मर्तबा नहीं मालूम होगा, इसकी हैसियत का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। गैर कौम, गैर मुस्लिम दुनिया में जहां भी है, उनको एहसास और उनको पता है कि सही माने में इस्लाम और ईमान जो जिंदा है वो या तो मकतब से जिंदा है या तबलीगी जमात से जिंदा है। हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा,
सुना है। हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने एक मर्तबा हमारे यहाँ जलालिया मदरसे में सुनाया। क्या सुनाया? उन्होंने कहा कि मैं फ्लाइट से सफर कर रहा था और मेरे बगल वाली सीट पर एक गैर मुस्लिम आदमी था। पहले तो वो अपने काम में, मैं अपने काम में, कुछ देर गुजरने के बाद बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप दाढ़ी रखे हुए हैं, कुर्ता पाजामा में है, टोपी लगाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि आप आलिम हैं। हाँ मैं आलिम हूँ, तो आप क्या करते हैं? क्या मैं बिजनेस करता हूँ परफ्यूम का, मेरा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है, किस मजमून पर, किस उन्वान पर आप पीएचडी कर रहे हैं, वो जो थीसिस लिखना पड़ता है किस पे लिख रहे हैं? तो उन्होंने बतलाया कि मैं पीएचडी कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने नहीं कहा था, मोहम्मद साहब की सुन्नत पर मैं पीएचडी कर रहा हूं। मौलाना बदरुद्दीन साहब ने कहा इसका मतलब है कि आप मुसलमान हैं? कहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मेरा नाम फला है, एक गैर मुस्लिम। अच्छा, आप गैर मुस्लिम होकर और मोहम्मद साहब की सुन्नत पर पीएचडी कर रहे हैं? जब आप मोहम्मद साहब की सुन्नत पर पीएचडी कर रहे हैं तो आपने तो बहुत सारी इस्लामी कुतुब का स्टडी किया होगा, बहुत सारे बुक्स का आपने मुताला किया होगा। कहां? बहुत पढ़ा मैंने, हदीस भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। कहा अब आप ये बताइए कि आपने इस्लाम के बारे में इतना कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको इस्लाम की कौन सी बात अच्छी लगी? ध्यान से सुनिएगा, आपने इस्लाम के बारे में इतना कुछ पढ़ा, आपको इस्लाम की कौन सी बात अच्छी लगी? उस शख्स ने जो जवाब दिया, वाकईतन जवाब सुन के आप तड़प जाइए और ये सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, हम और आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, वैसे तो इस्लाम की सारी ही बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन जिस बात से मुझको ज्यादा असर हुआ और जिस बात को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गैर मुस्लिम मालदार होकर भी अपने धर्म को छोड़ देता है और मुसलमान गरीब फकीर होकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ता, इसका कारण क्या है, मैं ये तलाश कर रहा था तो मुझे आप लोगों की किताबों में इसका जवाब मिल गया। जवाब ये मिला कि इस्लाम में ये मसला है कि जब कोई बच्चा पैदा होगा, जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके दाहिने कान में अजान दी जाएगी और बाएं कान में इकामा। मसला यही है ना, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में इकामत दी जाएगी। वो गैर मुस्लिम है, वो कह रहा है कि आपके मजहब में बच्चा दुनिया में आया और आने के साथ साथ जब इस्लाम और ईमान की बात उसके दिल में डाल दी गई, उसके दिमाग में ईमान और इस्लाम की बात डाल दी गई, वही बात इतनी मजबूत हो जाती है कि पूरी जिंदगी वो भूखा रहना गवारा कर लेता है, फकीराना गरीबाना जिंदगी गुजारना गवारा कर लेता है, लेकिन वो पहली बात जो दिल में डाल दी गई कभी भी वो उस बात को नहीं भूलता और चाहे अपनी जान दे दे लेकिन वो ईमान को नहीं छोड़ता है। यही काम तो आप हजरात कर रहे हैं मकतब के अंदर। एक बच्चे ने अजान सुन लिया था, तकबीर सुन ली थी, लेकिन उस अजान और तकबीर को मजबूत कराने के लिए बच्चा 4 साल 5 साल का हो गया, 5 साल का बच्चा हुआ, वो अभी ना तो सही से पेशाब करना जानता है, ना तो सही से अपना कोई काम करना, नाक साफ करना नहीं जानता है, वो आपके पास आता है और आप वो अजान और इकामत की जो आवाज उन्होंने सुनी थी उस अजान और इकामत की आवाज को फिर गोया के आप याद दिलाते हैं और उस आवाज को आप पुख्ता
करते हैं, अली बाता पढ़ाकर गोया के आप उसको ट्रेनिंग देते हैं कि बेटा या मेरी बेटी, जैसे तुम्हारी पैदाइश पर किसी ने अजान दिया था, तुम भी इतना सीख लो कि कोई और पैदा हो तो उसके ईमान की हिफाजत करने के लिए तुम भी जाकर अजान दे सको, तुम भी जाकर इकामत कर सको। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप हजरात का काम मामूली नहीं है, आपका काम बड़ा ऊंचा काम है। और मैं तो आप हजरात से ये दरख्वास्त करने के लिए आया हूं कि आप बच्चों की तरबियत करते हैं, बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं, पढ़ाते हैं, दीन सिखाते हैं। अल्लाह के वास्ते जब आप दुआ कीजिए तो दुआओं में कहिए, ऐ अल्लाह मेरी इबादत की कोई हैसियत नहीं, मेरी नमाज की कोई हैसियत नहीं, लेकिन ऐ अल्लाह मैंने फला बच्चे को पढ़ाया, मैंने फला बच्चे के अंदर दीन की तालीम देने की कोशिश की, ऐ अल्लाह वो काम सिर्फ आपकी रजा के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको राजी करने के लिए मैंने ये काम किया, ऐ अल्लाह मेरे उस अमल के सदके में मेरी इस दुआ को कबूल कर दीजिए, ऐ अल्लाह मेरे उस अमल के सदके में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत कर लीजिए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक मर्तबा हजरत मौलाना सैयद असद मदनी फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वाकया सुनाया था कि जर्मनी के अंदर बड़े बड़े जो यहूदी और क्रिश्चियन है, गोया के जो पूरी दुनिया के प्लानर है, प्लान बनाते हैं, उन लोगों की एक मीटिंग हुई। उसमें लोगों को पता नहीं था, जनाब फरहान निजामी साहब, खलील निजामी के लड़के, किसी तरह से उनको दावत देनी थी, पता नहीं था कि ये मुसलमान है या क्रिश्चियन है या जैसे भी हो। तीन दिनों तक उन लोगों ने सिर्फ इस पर बहस की कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों को इस्लामी खुराक मिल रही है, और इतनी मुखालफत के बावजूद इस्लाम दिन ब दिन फैल रहा है, मजबूत हो रहा है, इसका कारण क्या है? तीन दिनों तक इस पर चर्चा हुआ, बाद में सिर्फ और सिर्फ यही नतीजा निकला कि जब तक मकातिब का, मदारिस का और दावती काम का सिलसिला जारी रहेगा, दुनिया से इस्लाम को खत्म नहीं किया जा सकता। तो आप हजरात इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम की हिफाजत का काम कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को कभी हौसला शिकनी में मुब्तला न कीजिए, अपने आप को कभी कम हिम्मत मत कीजिए, अपने आप को कभी पस्त मत समझिए, अपनी हिम्मत को बुलंद कीजिए, खिदमात को ज्यादा से ज्यादा अंजाम दीजिए। और आज पूरी की पूरी दुनिया, आप जहां चले जाइए, खास तौर पे गल्फ कंट्री, अल्लाह माफ करे, खास तौर पे गल्फ कंट्री, चाहे सऊदी हो, कुवैत हो, इराक हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, ये जो खलीजी ममालिक है, जहां भी आप चले जाइए मेरे भाइयों, आपको कहीं पर मदरसा नहीं मिलेगा, कहीं पर इस तरह से मकतब की तालीम का नज़र बड़ी मुश्किल से कहीं मिल जाए, नहीं मिलेगा। यही वजह है कि आज सऊदी जैसी जगह में जगह जगह पर जुआ खाना, जुआ खेलने के लिए बाजाबता हॉल बनाया जा रहा है, सिनेमा हॉल कितने बना दिए गए। आप लोगों को सुनकर हैरत होगी, ये जो मोहम्मद बिन सलमान नया बादशाह है, इन्होंने प्लान बनाया एक नया दीन और नई शरीयत बनाने का, नया दीन और नई शरीयत बनाने का। उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी तीनों के धर्म को मिलाकर और एक दीन बनाया जा रहा है। जो आदमी मुसलमान होगा वो मक्का जा सकता है, क्रिश्चियन भी मक्का जा सकेगा, यहूदी भी मक्का यानी के हरम में जा सकेगा।
आप लोगों ने अभी चार पांच महीना पहले तो देखा सुना कि एक तरफ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ रियाज सीजन का प्रोग्राम करके इंडिया के बड़े बड़े एक्टर को हीरोइन हीरोइन को हीरो को उड़ाकर और डांस करा रहे हैं। ये सूरत हाल क्यों है? इस्लाम आहिस्ते आहिस्ते खत्म होता जा रहा है, इस्लाम मिटता जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात अल्लाह के वास्ते इंतहाई इखलास के साथ और इंतहाई लगन और मेहनत के साथ आप हजरात जो काम कर रहे हैं इस काम में लगे रहिए, इस काम को मजबूती के साथ कीजिए। बड़ी खुशी हुई एयरपोर्ट से आते हुए और पहले भी हजरत मुफ्ती साहब से मैंने इस तंजीम के बारे में बातें जो मालूम की माशाल्लाह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं दुआ भी करता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी मेरी दुआएं रहेंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तंजीम को मजीद पुख्तगी अता फरमाए, आप हजरात के हिम्मत को अल्लाह और बुलंदी तक ले जाए और जो काम मणिपुर जैसे मरकजी इदारों से इल्म के मरकज से इतने दूर में रहकर जो काम आप हजरात कर रहे हैं अल्लाह ताला इस काम को इखलास के साथ मजीद इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। ये माहौल ये निजाम ये सिस्टम आपको बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। माशाल्लाह यहाँ जो बड़े हैं हमारे, यहाँ जो हमारे असलाफ थे जो चले गए, जो हमारे अकाबरीन हैं बाहयात हैं, उन हजरात की मेहनत उन हजरात की कुर्बानियां और मुख्तलिफ तरीकों से दीन के काम को आगे ले जाने का उनका जज्बा, मैं उन सबके जज्बात को सलाम करता हूँ और दिल से उनके लिए दुआएं करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन हजरात को जजाए खैर अता फरमाए और उन हजरात को बेहतरीन बदला इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी अल्लाह ताला अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर अगर कल की मजलिस हुई मजीद कुछ बातें हो जाएंगी। आज आपने जो मुझसे सुना इसको सुनकर जाइए, अपने दिल में बिठा कर जाइए और मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, मैं मुफ्ती साहब को व्हाट्सएप में भेज दूंगा। अगर आपको बात अच्छी लगी तो आप इसको अपने व्हाट्सएप में लेकर सुनिए, बार बार सुनिए और अपने जज्बात को अल्लाह के और आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी बातें कही गई है हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात के खिदमत को इस इदारे को इस तंजीम को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमाए, नजरे बद से अल्लाह हिफाजत फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।